फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ आज छत्तीसगढ़ की फेमस चुनचुनिया भाजी, जिसे तीन पनिया भाजी भी बोलते हैं, और अलग अलग जगहों में इसके वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये पानी वाली जगहों में पाया जाता है, ज़्यादातर इसको खेती करते हैं वहाँ इसको पाया जाता है ये भाजी। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इसे हम चना दाल में, या खड़ा मसूर है और या राहल की दाल है उसमें हम बना सकते हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाते हैं। तो भाजी को हमको ये जो बड़ी वाली डंठल है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे और अच्छे से इसको धो के रख लेंगे। इस तरह से हमको तोड़ के बड़ा वाला डंठल निकाल देना है और भाजी को अच्छी तरह से धो लेना है। तो इसके लिए मैं राहेल दाल में बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं राहेल दाल ले ली हूँ। राहेल दाल को मैं 10 मिनट भिगा के रख ली थी। और हमें चाहिए इसके लिए सूखी मिर्च है, लहसुन है 8-10 कलियाँ। तो इसमें लहसुन का जो तड़का लगाती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लहसुन आप थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना है। एक प्याज है और 3 टमाटर है हमारा। तो दाल को हम 10 मिनट, हमारा दाल भीग गया है तो 10 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे, ताकि हमारा दाल थोड़ा से पक जाएगा आधा। देखिए, जो मैं दाल को 10 मिनट के लिए पका ली हूँ और दाल हमारा थोड़ा सा पक गया है, इस तरह से हाथ में दब रहा है। तो हमें इसमें भाजी डाल देना है। भाजी के साथ 2-3 मिनट पकाएंगे इसको। इसको 2-3 मिनट तक पकने देते हैं। इस तरह हमको चम्मच चलाते हुए इसको ढक के पका लेना है। और ये जो चुनचुनिया भाजी है, ये एक औषधि है ये, और बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और पेट संबंधित बहुत ही अच्छा है ये भाजी। तो आप बना के ज़रूर ट्राई करिए एक बार। तो इस तरह से हमको पका लेना है 2-3 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, टमाटर और हल्दी डाल दे रही हूँ मैं। चाहे तो हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है भाजी में तो। मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ ताकि कलर इसका अच्छे से आता है। फिर मिलाएंगे और पका लेंगे, जो हमारी भाजी जो अच्छे से टमाटर और नमक में पक जाएगा, उसको ढक के फिर से पका लेंगे। भाजी हमारा 4 मिनट हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो भाजी हमारा अच्छे से पक गया है, इसको पकने में बिल्कुल कम समय लगता है ये। इसको बंद कर देते हैं और तड़के के लिए चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो गया है। तो इसमें 3-4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन को हम लाल होते तक पकाएंगे, तभी इसमें स्वाद आता है तड़के में। लहसुन हमारा अच्छे से लाल हो गया, इसमें डाल देती हूँ सूखी लाल मिर्च और प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा, तो चम्मच चलाते हुए इस तरह से हमको थोड़ा सा ब्राउन पका लेना है। अब इसमें डाल देते हैं भाजी। इस तरह हमको तड़का लगा लेना है, तभी स्वाद अच्छा आता है भाजी में। और ये भाजी बिल्कुल आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसको ऐसे करके ढक देंगे। तो हमारी भाजी बनके तैयार है। तो इस तरह से आप घर में ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हमारे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।